रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं विपिन चौधरी और आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। चलते हैं खबरों की ओर। देश में चुनावी गतिविधियों पर नजर रखने वाला केंद्रीय चुनाव आयोग अपने अधिकार में और इजाफा चाहता है, यानी कि चुनाव आयोग खुद को और मजबूत करना चाहता है। यही वजह है कि वह नरेंद्र मोदी सरकार से अपनी पावर को बढ़ाने को पत्र लिख चुका है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग चाहता है कि उसे राजनीतिक दलों के पंजीकरण को रद्द करने के साथ ही वैसे पार्टी उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति मिले जो दो सीटों से चुनाव लड़ते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि चुनाव आयोग यह भी चाहता है कि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इन सेवाओं में हेल्थ केयर, एविएशन और रेलवे सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं लोग हो सकते हैं। वर्तमान में पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल सिर्फ सशस्त्र सेना, राज्य पुलिस बल और दूसरे देशों में सरकारी नौकरी करने वाले ही कर पाते हैं। इसके अलावा चुनावी ड्यूटी और सुरक्षा से लिहाज से हिरासत में अथवा नजरबंद किए गए व्यक्ति भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। वहीं पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में चुनाव आयोग ने इस बात पर जोर देते हुए कहा था कि अगर कोई राजनीतिक दल संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो ऐसे में उसके पास यह अधिकार होना चाहिए कि वो उस पार्टी का पंजीकरण रद्द कर दे। आयोग ने शीर्ष न्यायालय में कहा था कि कानून हमें दलों को पंजीकरण करने की शक्ति तो देती है, लेकिन दलों के अनैतिक और गैरकानूनी घोषित होने या धोखे से रजिस्ट्रेशन का पता लगने पर उनका पंजीकरण खत्म करने का अधिकार नहीं देती। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।